सब्सक्राइब करें जी के आर्ट्स चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले दिखे। सबसे पहले हम पेपर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्क्वायर पेपर लिया है। मैं ऑयल पेस्टल यूज़ करूँगा और हम स्काई ब्लू लेंगे कलर ऑयल पेस्टल का और डार्क ब्लू। अब हम कलर करना शुरू करेंगे। तो हमें सबसे पहले एक लाइन बना लेनी है पेपर पे ताकि ज़्यादा बाहर ना जाए। इस तरीके से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हम डार्क ब्लू से करेंगे और बाकी नीचे का पोर्शन हम स्काई ब्लू से करेंगे। इस तरीके से बस हमें रगड़ना है पूरे उस पर। हम जितना हमने अभी जैसे बनाया था उस पर हम रगड़ देंगे। इस तरीके से हम डार्क ब्लू कर लेंगे। ये मेरा हो गया है। अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर करूँगा। बचे हुए पोर्शन पे जहाँ आपको वाइट दिख रहा है पूरे उस पर हम ब्लू कर लेंगे स्काई ब्लू। ये मेरा हो गया है स्काई ब्लू और दोनों मैंने कर दिए हैं। तो अब कुछ इस तरीके से अब हम कॉटन लेंगे और इस पर रब करेंगे। देखिए कैसे, बस आपको इस तरीके से फोल्ड करना है कॉटन को और पेपर पे ऊपर से नीचे से रब करना है। या फिर आप जो है नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, पर ऊपर से नीचे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि कलर फेड होए और अच्छे से फैल जाए। अब हम स्केल और पेंसिल लेंगे और बिल्डिंग्स बनाएंगे हम और थोड़ा डार्क बनाएं क्योंकि क्या है पेंसिल इतना दिखेगी नहीं ऑयल पेस्टल पे। मैं डार्क डार्क कर रहा हूँ, आपको दिख रही होगी। ये मेरा हो गया है। अब हम चारकोल पेंसिल लेंगे और मैंने यहाँ पे सॉफ्ट वाली ली है। सॉफ्ट वाली जो है ज़्यादा अच्छी चलती है, उल्टा लिखा हुआ है इस पर ये मेरी सॉफ्ट वाली। और जितने भी हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं सबके अंदर अंदर जो है चारकोल से कर देंगे ब्लैक। या फिर आप पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल पेस्टल का ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर चारकोल पेंसिल यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा क्योंकि उससे कि अच्छे से फिनिशिंग आएगी और अच्छे से बिल्डिंग दिखेगी। इस तरीके से हमें कर लेना है। अब हम वाइटनर लेंगे, करेक्शन पेन जिसे बोलते हैं, और इससे हम जो है लाइटें बनाएंगे बिल्डिंग की। इस तरीके से विंडो और लाइट जैसे जल रही हो और ये रात का समय में मैंने बनाया है और ये बहुत इजी ड्राइंग है बनानी। कोई भी बना सकता है आराम से, किड्स भी बना सकते हैं और बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छी ड्राइंग है। और अगर आपको ये टॉपिक दिया जाता है तो बहुत सिंपल सी है। और ये मैंने सब पे कर दिया है और थोड़ा सा बाहर भी बना लेना है ताकि जो है स्टार दिखें। अब यहाँ पे आप राउंडर का यूज़ कर सकते हैं या फिर मैंने यहाँ पे सर्कलर रूलर यूज़ किया है। और वाइट से हम मून बनाएंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं, और अंदर भी हम कलर कर देंगे थोड़ा थोड़ा। इस तरीके से हमें मून बनाना है। यहाँ पे मैंने सर्कुलर रूलर का सबसे बड़ा वाला जो सर्कल होता है वो यूज़ किया है और हटा लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग बनके तैयार है।